फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है या फिर हैक नहीं है। अगर हैक है तो हैकर की एक्सेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं कि कभी हैक ही ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और अगर आपको पता करना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है या फिर हैक नहीं है या फिर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं, इसके लिए आप सिंपली इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ऐप ओपन किया और इस तरह से इंस्टाग्राम ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस यहाँ पे नीचे में, और नीचे में फ्रेंड्स क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप तीन लाइन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो सिंपली आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेंटर का, तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वेयर आर यू लॉग्ड इन, मतलब कि आप अपने अकाउंट से कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो यहाँ पे इस पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक कर देने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिडक्टेड अनरिकोनाइज लॉगिन, मतलब कि इंस्टाग्राम डिडक्ट किया है कि कोई अननोन पर्सन इससे लॉगिन किया है। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो लिखे हुए, एक सोनू कुमार यहाँ पे है रेडमी 8 और इसके बाद अमित SSM यहाँ पे ये भी है रेडमी 8 है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से लिंक किया हूँ, तो यहाँ पे ये फेसबुक का डिटेल है और ये इंस्टाग्राम का, और इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है +2 more, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए Redmi 8 ये मेरा डिवाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस, और इसके बाद यहाँ पे ये जो दो डिवाइस है यहाँ पे एक सासाराम से लॉगिन किया गया है और एक पटना से लॉगिन किया गया है, यहाँ पे इसका टाइमिंग और डेट भी है। तो इस तरह से आप में है तो फिर आप समझ जाइए कि कोई अननोन पर्सन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करके और आपकी सारी प्राइवेसी को देख रहा है, आपकी सारी चैट को पढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप लॉगआउट पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा लॉगआउट। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है कि वो आपका इंस्टाग्राम आईडी जिस जिस डिवाइस में लॉगिन होगा वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए अपना एक बार इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कभी हैक ही ना हो पाए तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे, और इसके बाद आप इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप टेक्स्ट मैसेज पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, मैं इसे पहले से ही ऑन किया हूँ, और यहाँ पे आपका नंबर मांगेगा, आप नंबर डाल के OTP के जरिए वेरीफाई कर लीजिएगा, तो फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में 2-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति आपका इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड भी जान के हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी लॉगिन करना चाहेगा तो आपके इंस्टाग्राम से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद ही कोई भी लॉगिन कर सकता है, बाय द वे लॉगिन नहीं हो सकता है।